साहब की पत्नी कौन थी? क्या बात, जरा जोर से बोलिए, कौन थी? गोरा मैया। कौन थी? माँ गोरा। माँ गोरा। गोरा मैया ने शंकर भगवान से कहा कि अब मेरा कैलाश पर्वत पर आंटी जी कह लो जय माता बातें करने के लिए बहुत समय मिलेगा आपको, पर भजन करने के लिए यही समय है सच्चे दरबार की, कि अब मेरा मन कैलाश पर्वत पर नहीं लगता, एक सुंदर सा प्यारा सा घर बनवा दो, जो कि हर हर पत्नी अपने पति से कहती है कि एक सुंदर सा घर बनवा दो। ऐसे ही गोरा मैया भी शंकर भगवान से बोलने लगी कि एक सुंदर सा घर मेरे लिए बनवा दो, अब मेरा मन कैलाश पर्वत पर नहीं लगता। भोले बाबा कहने लगे कि मैं तो सन्यासी हूँ। मैं कौन हूँ? सन्यासी हूँ। गले में नाग धारण कर रखा है, बागंबर ओढ़ता हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरे लिए एक महल बनवा दूँ। पर कहते हैं ना, नारी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। इस संसार में तीन हट ऐसे हैं जिनके आगे सभी झुक जाती हैं, एक तो नारी हट और एक राज हट और एक है बाल हट, उसके आगे किसी की भी नहीं चलती। बोली सच्चे दरबार की चलती है या किसी की नहीं चलती? भोले बाबा की भी नहीं चली। और गोरा मैया क्या कहने लगी भोले बाबा से, ध्यान से सुनिएगा। महल कैसा बनना चाहिए? जो भी देखे यही कहे बस, क्या कहना भाई? क्या कहना? जोर से बोले, क्या कहना भाई? हम भी कोई चीज खरीदते हैं तो इसी मकसद से खरीदते हैं ना कि सभी को पसंद आनी चाहिए, ऐसा ही होता है ना। आए ध्यान से सुनना है भजन को, ताली का साथ सभी देंगे। एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, एक महल ऐसा बनवा दो, पर्वत पर नहीं रहना, जो भी देखे यही कहे बस, क्या कहना भाई, क्या कहना, जो भी देखे यही कहे बस, साधन है रुपया था कि फकीरों के, रुपया था कि
बनवा दे, बोला तो मैं बनवा दूँ, बनवा दे होती है किसके पीछे पागल होती है गहने के ऊपर है ना।